नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। तो आज हम लोग जानेंगे इस बटरफ्लाई वाल्व के बारे में, इसका किस तरह से ये काम करता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मैकेनिकल रिलेटेड अगर कुछ टूल्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे शॉप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इसका नाम है बटरफ्लाई वाल्व, ठीक है। और ये 50 का है, देखिए इसका जो है डायमीटर है 50 का है ये वाल्व। आपको वहाँ जिस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है उसी तरह हर एक वाल्व के ऊपर लिखे रहता है DN करके, DN50, DN60। और ये इसका ओपन करने का और क्लोज करने का हैंडल है, और एक लीवर दिख रहा होगा आप लोगों को स्प्रिंग लोडेड। ये वाल्व को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है कि कितना परसेंट में आपको वाल्व को ओपन करके लॉक करना है। यहाँ टीथ बने हुए देखिए बहुत सारे, वो लॉकिंग के लिए यूज होते हैं, जो देख रहे हैं आप ग्रुप बने हुए हैं। आप इसको 10% में, 15% में, 50% में, 100% में ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये जो लाइन का फ्लो है उससे ओपन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉक हो जाता है हैंडल का वजह से। आप जितना परसेंट खोलोगे उतना परसेंट ही लाइन से इसका लिक्विड जाएगा, इसमें यही फैसिलिटी है। ये जो देख रहे हैं ये गेट ओपन हो जाएगा इसका, और आप जितना परसेंट में लॉक करोगे घूम के इस तरह से, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को ओपन करके। और ये जो जितने होल देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ट जाएंगे, 4 ही बोल्ट लगते हैं इसमें, और बहुत जगह 8 का भी रहता है, तो इसमें 4 का ऑप्शन है तो 4 ही बोल्ट लगेगा इसमें, ठीक है। और ये जो आप बोटर देख रहे हैं एक रबर का रिंग जैसा बना हुआ है, ये क्या है, गैस्किट का काम करता है। इस वाल्व में आपको गैस्किट स्पेशल यूज नहीं करना है, देखिए दोनों तरफ बना हुआ है, तो इसको यूज करते समय आपको रबर का, मेटल का, कोई सा भी गैस्किट आपको इसका, इस वाल्व को यूज करते समय नहीं लगाना है बटरफ्लाई वाल्व को। ये आपको ध्यान देना है, हर एक बटरफ्लाई वाल्व में इस तरह का रबर का ओरिंग का एक डिज़ाइन जैसा बना होता है, जो कि लीकेज को रोकने में काम आता है, ठीक है। और अभी ये देखिए यहाँ पर अभी खुला नहीं है, ये अभी खुल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। इसका लॉकिंग का जो बोल्ट है वो खुला हुआ है, जिसका वजह से हैंडल थोड़ा सा आप लोगों को साइड लग रहा है, ठीक है। ये हैंडल जब भी इसका पाइपलाइन का सीधा में हो जाए तो आपको समझ जाना है कि वाल्व फुल्ली ओपन हो गया है, जो भी पाइपलाइन में इस बटरफ्लाई वाल्व को आप बंद करोगे। मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, देखिए अब ये ओपन हो गया, फुल ओपन। सोचिए ये पाइपलाइन में लगे रहता तो इसका हैंडल अभी सीधा रहता, और ये साइड साइड दोनों साइड से ये लिक्विड या पानी जाएगा। ये अभी देखिए पाइपलाइन का डायरेक्शन में हो जाएगा, आप दूर से देख के पता कर सकते थे। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, वाल्व का सीधा सीधा में हैंडल आ गया, मतलब ये क्लोज हो गया है। इस चीज़ को आप लोगों को नोट कर लीजिए एकदम दिमाग में। आप दूर से बता सकते हो किसी को कि वाल्व क्लोज है कि बंद है। कभी भी आप वाल्व को खोलोगे तो जिस पाइपलाइन में भी आप इसको यूज करोगे उस पाइपलाइन का सीधा सीधा हैंडल हो जाएगा। ये जो लीवर देख रहे हैं उसका पाइपलाइन का एकदम सीधा दिखेगा आपको, ऊपर से पाइपलाइन का लाइन में, मतलब ये वाल्व अभी ओपन है, ठीक है। अब अगर वाल्व का लाइन में हैंडल आ जाए तो ये क्लोज पोजीशन है, आप दूर से देख सकते हैं। देखिए हर एक बटरफ्लाई वाल्व का सेम रोल है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अभी वाल्व ओपन हो रहा है, क्लोज कर रहे हैं, ओपन हो रहा, क्लोज कर रहे हैं, सिंपल है। आप इसको लॉक को दबा के आपको ओपन क्लोज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसका ज़्यादातर इसका रबर वगैरह डैमेज हो जाता है, और ज़्यादा कुछ डैमेज होता नहीं, रबर ही डैमेज होता है। ये अभी लॉक, इसका जो लॉक है ये अभी बोल्ट अप करेंगे, यहाँ पे बोल्ट लगेगा दोनों साइड, वो लगा हुआ है नहीं, जिसको मैं अभी लगा दूंगा, तो ये लॉक वाला हिलेगा नहीं और खाली हैंडल ही घूमेगा। और कभी कभार क्या होता है, कुछ मड वगैरह आके ना फंस जाता है इसका गेट में, तब भी आपको वाल्व पासिंग लगेगा, बट वाल्व ख़राब नहीं रहता, आपको खोल के चेक करना। यहाँ पर कुछ आके फंस जाता है कभी कभार, आप वाल्व को क्लोज करोगे फिर भी पासिंग होगा और आपको लगेगा वाल्व पासिंग है। तो कभी भी ओपन करके आपको वाल्व को चेक करना है कि उसमें कुछ फंसा तो नहीं है गेट का बीच में। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कुछ बाय करना है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।